दोस्तों, इस वीडियो में हम बहुपद से बहुपद को भाग देने के लिए सिखाने वाले हैं। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही अच्छी तरीका से इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। अगर आप कुछ भी नहीं जानते हैं तो भी आपको समझ में आ जाएगा। क्या बताने वाले हैं इस वीडियो में, थोड़ा सा जान लीजिए। जैसे कि सपोज कीजिए, हम पीछे से चलते हैं। यदि आपको कहा जाएगा 50 को 5 से भाग देने के लिए, तो आप तुरंत दे दीजिएगा। 5 एकम 5, कुछ नहीं बचा। यहाँ पर 0 उतारेंगे तो यहाँ 0 उतर गया, भाग हो गया कंप्लीट। लेकिन यदि वही जगह पर कोई बहुपद से बहुपद को भाग देने के लिए कहा जाए तो समस्या खड़ी हो जाती है। वही समस्या को मैं इस वीडियो में दूर करने वाला हूँ। ऐसा भाग देने के लिए आप सीख जाएंगे यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो। और ये जो सवाल हम 5 सवाल लेकर आए हैं इस वीडियो में, और हर सवाल NCERT का है, जो आपके लिए बहुत ही अच्छा है और समझ में आ जाएगा भाग देने के लिए, ये मेरा गारंटी है। अगर नहीं आएगा तो वीडियो को आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। ओके, तो देखिए, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है। बहुपद को बहुपद से भाग देना है। ये जो बहुपद बहुपद बोल रहे हैं, आखिर बहुपद है क्या, थोड़ा सा उसके विषय में जान लेते हैं। जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉलीनोमियल। क्या बोलते हैं? पॉलीनोमियल, बहुपद। इंग्लिश में पॉलीनोमियल। ओके, अब देखिए बहुपद क्या है। किसी भी चर का पावर यदि पूर्ण संख्या हो, क्या बोले हम? चर। चर का मतलब वेरिएबल, जैसे कि x हो गया, y हो गया, z हो गया, ठीक है, a हो गया, b हो गया, c हो गया, ये सब क्या है? चर संख्या है। ये सब का मान हमको एकदम पता नहीं है, ठीक है, पता नहीं रहता है। क्वेश्चन के अनुसार उसके मान में परिवर्तन होता है, तो जिसके मान में परिवर्तन होता है उसको हम लोग बोलते हैं चर। इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। ओके, अगर चर का पावर पूर्ण संख्या हो, चर का पावर यदि पूर्ण संख्या हो, क्या बोले हम? पावर, तब वो कहलाएगा एक बहुपद। एकदम सिंपल है, आप समझ जाएंगे। क्या बोले हम? किसी भी चर का, चर मतलब x हो गया, y हो गया, z हो गया, a हो गया, b हो गया, c हो गया, कुछ भी चर का यदि पावर पूर्ण संख्या है, क्या? पूर्ण संख्या, तो समझ लेना है कि वो बहुपद है। जैसे कि यहां पर देखिए x+2 है, x+2 है, यह एक बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसमें चर x जो है, इसका पावर कितना है? 1 है। अब 1 क्या है? पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब क्या? पूर्ण संख्या है। प्राकृतिक संख्या में यदि हम 0 को भी ऐड कर दें तो वो पूर्ण संख्या हो जाता है, ठीक है। तो यदि चर में पूर्ण संख्या रहे तो वो बहुपद कहलाएगा, ठीक है। बहुत सारे ऐसी टर्म होते हैं जो बहुपद नहीं होते हैं, ओके, उसके विषय में भी आपको जानना है। जैसे यहाँ देखिए, ये भी बहुपद है। क्यों? क्योंकि देखिए x का पावर 2 है, जो पूर्ण संख्या है। x का पावर यहाँ पर क्या है? 1 है, ये भी पूर्ण संख्या है। इसका मतलब ये वाला क्या है? बहुपद है। अब कहेंगे आपको कि √3x, क्या बोले? √3x+3, बताइए ये बहुपद है? बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए √3x जो है वो रूट के अंदर है। अब रूट से अगर बाहर निकालेंगे तो x का पावर कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। अब जब 1/2 होगा तो 1/2 पूर्ण संख्या है? नहीं है, तो बहुपद नहीं कहलाएगा। या फिर 1/x रहेगा, प्लस में 5 रहेगा, ये भी बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि हम x को ऊपर ले जाएंगे तो x का पावर -1 हो जाएगा और +5, तो बताइए -1 एक पूर्ण संख्या है? नहीं है, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। अच्छा, एक चीज़ और बताते हैं आपको। कोई संख्या है, सपोज कीजिए संख्या हम ले लेते हैं 6, अब ये बहुपद है? ये भी बहुपद है। 6 जो है अपने आप में बहुपद है, जिसको हम लोग बोलते हैं अचर बहुपद, कांस्टेंट पॉलीनोमियल। ओके, कैसे? यहां पर x, y, z ये सब तो कुछ नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो आप जबरदस्ती यहां पर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहां पर 6 है, अब 6 को हम लिख सकते हैं 6x⁻⁰, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्योंकि किसी भी चर या अचर का अगर पावर 0 रहे तो उसका मान 1 होता है। अगर मान 1 होगा तो 6 यहाँ पर गुना 1 करेंगे तो कितना जाएगा? 6 आ जाएगा। इसके मान में कोई परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। तो हम 6 को हम 6x⁻⁰ लिख सकते हैं, या 6y⁻⁰ लिख सकते हैं, z⁻⁰ लिख सकते हैं, कि नहीं? तो यह भी क्या है? एक 0 क्या है? पूर्ण संख्या है। इसका मतलब कि 6 भी हम उसको बहुपद मान सकते हैं। ओके, इसको समझना थोड़ा जरूरी था, राइट? चलिए, अब बहुपद भी बहुत प्रकार का होता है। हर चीज़ को एक ही वीडियो में डिफाइन कर देना ये भी अच्छी बात नहीं है। द्विघात बहुपद होता है। द्विघात मतलब पावर 2 वाला जो बहुपद रहेगा उसको हम लोग द्विघात बहुपद बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये वाला द्विघात बहुपद है, यानी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है। ओके, और ये वाला द्विघात नहीं है, इसमें पावर x का अधिकतम 1 ही है, इसीलिए इसको हम लोग रैखिक बहुपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। अधिकतम बहु
अधिकतम पावर देखा जाता है, अधिकतम पावर, ठीक है। तो इसमें अधिकतम पावर दो था इसीलिए द्विघात बहुपद हुआ, इसमें अधिकतम पावर एक है इसीलिए ये रैखिक बहुपद हुआ। अगर अधिकतम पावर x का रहता 3 तो त्रिघात बहुपद होता है कि नहीं। x भी हो सकता है इस जगह पर, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन चर होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए। ओके, चलिए अब हम भाग देने के लिए आपको सिखाते हैं। ये सब तो हो गया छोटा मोटा जानकारी जो आपको जानना था इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, ठीक है। चलिए इससे इसको भाग देना है, कैसे देंगे देखिए करना क्या है। यहां पर जो ये वाला आप देख रहे हैं भाजक को, भाजक का जो पहला पद है, पहला पद क्या है, x है। भाज्य के पहला पद को डिवाइड कर देना है, भाज्य के पहला पद को डिवाइड कर देना है, जैसे कि 2x स्क्वायर है, क्या है 2x स्क्वायर है, किसका, भाज्य का पहला पद, और भाजक यानी डिवाइडर जो है उसका पहला पद क्या है, x है। तो x से हम डिवाइड यदि करेंगे तो कितना आएगा, ये x यहाँ पर x पावर 1 था, ये कट गया, यहाँ से एक x खत्म हो गया, तो बच क्या गया 2x। इसका मतलब जो भागफल में जो आएगा पहला पद वो क्या आएगा 2x आएगा। ये पहचानने के लिए कि भाई भागफल में हम कौन सा पद लेंगे, ओके एकदम सारा चीज क्लियर हो जाएगा, चिंता करने की बात नहीं है, ठीक है। क्या किए हम, जो भाज्य था उसके पहला पद को भाजक के पहला पद से डिवाइड कर दिए, जितना आया उसको कहाँ रख दिए, भागफल में रख दिए। अब क्या करेंगे, इस 2x को गुना सबसे पहले हम x से करेंगे, 2x को गुना किससे करेंगे, x से। तो बताइए कितना होगा, 2x स्क्वायर होगा, इसको आपको इसके नीचे लिखना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2x को गुना उसके बाद में सेकेंड में क्या करेंगे, दो से गुना करेंगे, ये फर्स्ट में करना है आपको और ये सेकेंड में करना है। आप जब सेकेंड में कीजिएगा 2x को गुना दो से तो कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। इतना कर सकते हैं, इतना करने के बाद में आपको करना है माइनस। अब देखिए यहाँ प्लस का साइन था, यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, ये कट गया, कटा, इसीलिए कटना जरूरी है, ये जो पहला पद ऊपर वाला जो है कटना जरूरी है, इसीलिए हम लोग ये सब प्रक्रिया अपनाए हैं ताकि ये वाला जो है कट जाए। या फिर आप इस तरह से भी सोच सकते हैं, यदि आप थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगाते हैं तो आप इस तरह से भी सोच सकते हैं कि भाई यहाँ पर कौन सा भागफल लें, कौन सा टर्म लें, कि यदि हम x से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर आ जाए। तो यदि 2x यदि हम लेंगे तो 2x को गुना यदि x से करेंगे तो 2x स्क्वायर आ जा रहा है। तो ये सब आपको भाग देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ओके okay, आप डायरेक्ट भी उस तरह से बना सकते हैं, आप धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहां पर 3x था प्लस में और यहां पर माइनस में 4x है, तो माइनस 4x प्लस 3x कितना हो जाएगा, माइनस x बचेगा। अब यहां पर प्लस 1 है तो प्लस 1 लिख देंगे, ओके okay? अब अभी भी ये शेषफल नहीं मान लेना है, और भी आगे बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि देखिए यहां पर जो भाजक का पावर कितना है, एक है। अब यहां जो शेषफल जो बचा है उसका भी x का पावर 1 है, इसका मतलब एक बार और जाएगा। यदि भाजक के जो भी पावर है शेषफल का यदि पावर कम रहेगा चर का तो वहीं पर छोड़ देना है, वही शेषफल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर शेषफल नहीं है, दोनों का पावर सेम है, ओके। चलिए अब यहाँ पर कौन सी संख्या लें, कौन सा टर्म लें कि यदि x से गुना करेंगे फर्स्ट बार तो माइनस x आ जाए, कितना लेंगे, माइनस 1 लेंगे। यदि माइनस 1 को गुना x से करेंगे तो स्वाभाविक है कि माइनस x आएगा। या फिर यदि आप इस तरह से नहीं समझ पाते हैं तो जो ये भाज्य का जो पहला पद है, पहला पद कितना है, माइनस एक्स है, और भाजक का पहला पद कितना है, एक्स है। अब इसको काटिए, एक्स एकम एक्स, एक्स एकम एक्स कट गया तो कितना आया, माइनस 1 आया, वही माइनस 1 को यहाँ पर आपको लेना है, ओके। माइनस 1 को गुना एक्स से करेंगे तो माइनस एक्स आया, माइनस 1 को गुना 2 से करेंगे तो माइनस 2 आएगा। अब साइन बदलेगा, माइनस था तो प्लस हो जाएगा, माइनस था तो प्लस हो जाएगा। अब ये वाला कट गया, काटने के लिए ही इतना प्रक्रिया अपनाते हैं, ओके। प्लस 1 प्लस 2 कितना आ गया, 3 आ गया। अब देखिए 3 आया, अब 3 को हम 3x का पावर 0 लिख सकते हैं, कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर x का पावर 1 है भाजक का, मुख्य भाजक का, और यहाँ x का पावर 0 है, इसका मतलब कि यहीं पर छोड़ देना है। तो शेषफल मेरा कितना बच गया, 3 बच गया, भागफल आ गया 2x माइनस 1, और ये भाजक तो है ही और ये भाज्य है, ओके। तो आपको समझ में धीरे धीरे आ रहा होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए क्या है सेकंड नंबर क्वेश्चन, लिखा गया है 8 प्लस जेड से जेड स्क्वायर माइनस 19 जेड माइनस 11 को भाग दीजिए। देखिए भाग किससे देना है ये आपको जानना जरूरी है, और भाग किसको देना है, ठीक है, किससे देना है, किसको देना है। यहां पर थोड़ा सा उल्टा लिखा हुआ है, 8 प्लस जेड से
इसको भाग देना है, मतलब ये वाला हो जाएगा भाज्य और ये वाला हो जाएगा भाजक। ओके, तो सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं उस टर्म में जिस तरह से पहले बनाते थे, है कि नहीं। क्या है जेड स्क्वायर माइनस में 19z और माइनस में 11 है, भाग किससे देना है 8+z से। अच्छा, एक चीज आपको यहां पर नोट करना होगा कि जो भी चर है, चर का जो भी पावर है उसको घटते हुए क्रम में लिखना है, चाहे आप भाज्य में उसको लिख रहे हो या फिर भाजक में। ओके, तो यहां पर 8+z है तो यहां 8+z नहीं लिखेंगे, z+8 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहां देखिए जेड का पावर यहां पर 1 है और यहां पर जेड का पावर क्या है 0 है, तो यहां 1 वाला पहले लिखेंगे, 0 वाला बाद में लिखेंगे। अगर जेड का पावर 2 रहता तो वो वाला और पहले लिखते, है कि नहीं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, नहीं तो फिर आप 8+z यहाँ रखेंगे और बनाना प्रारंभ करें तो बहुत सारे गलतियाँ हो सकती है, गलत हो ही जाएगा, है कि नहीं। और यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है, यहाँ पर कभी कभी क्वेश्चन में इधर उधर लिखा रहेगा 19z, यहाँ पर लिखा रहता जेड स्क्वायर यहाँ पर, तो जेड स्क्वायर को पहले करना है, 19z को बाद में करना है, इस तरह से करके, ठीक है। जेड क्या है? एक वेरिएबल है और ये किस कौन से बहुपद है? द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है और ये रैखिक बहुपद है, ठीक है। चलिए अब इसको बनाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले इसको इससे भाग देंगे या फिर हम यहाँ पर कौन सा पद लें कि इसको यदि जेड से गुना करेंगे तो जेड स्क्वायर आ जाए, जेड लेंगे, सिंपल सी बात है। अगर जेड लेंगे जेड से गुना करेंगे तो जेड स्क्वायर आएगा, फिर जेड को गुना 8 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस में 8z आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? एकदम आना चाहिए। चलिए अब इसको माइनस करेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस। अब ये वाला कट जाएगा, काटने के लिए ही सब चीज़ करते हैं ये सब, ठीक है। अब देखिए माइनस 19z और माइनस में 8z कितना हो जाएगा, माइनस 27z हो जाएगा, है कि नहीं। अगर कट नहीं रहा है तो समझिए आप गलती कर रहे हैं, गलतियाँ हो सकती है। ओके, चलिए माइनस 17z आया। अब यहाँ पर जो आगे बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है, माइनस 11, तो माइनस 11 उतार देंगे, है कि नहीं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ऐसा पद आपको लेना है कि z से यदि गुना करेंगे तो माइनस 27z आना चाहिए, 27z आना चाहिए, ठीक है, वो भी माइनस में। तो कितना लेंगे, माइनस 27 लेंगे। अगर माइनस 27 लेंगे और z से उसको गुना करेंगे तभी ना माइनस 27z आएगा, है कि नहीं। दूसरा चीज़ लेंगे तो कभी नहीं आएगा, एक चीज़ आप जान लें। अब माइनस 27 को गुना 8 से करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे, चलिए गुना करते हैं तो माइनस में ही आएगा, 8 × 56, 56 × 6। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा, हाँ 8 × 56 × 6, हाथ में 5, 8 × 16 = 5 = 21 हो गया। ओके, चलिए अब यहाँ पर माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, अब यहाँ पर माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस 27z प्लस में 27z, ये कट जाएगा। अब यहाँ पर माइनस 11 है और यहाँ पर प्लस में 216 है, तो यहाँ पर कितना बचेगा, प्लस में कितना बचेगा, प्लस में 205। तो यही शेषफल हो गया, ये हो गया भागफल और ये क्या हो गया, भाजक हो गया, है कि नहीं। चलिए आप समझ रहे होंगे और धीरे धीरे हार्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड में। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या लिखा गया, लिखा गया है x³ − 3x² + 5x − 3 / x² − 2, यानी इसको आपको इससे भाग लगाना है। तो वही चीज़ करना है, सिंपल सी बात है, क्या करेंगे, x³ − 3x² + 5x − 3 को भाग किससे लगाना है, यहाँ पर ये एक्स क्यूब है, किस तरह से लिखा गया है, यहाँ पर किससे लगाना है, x² − 2 से। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसा संख्या लेंगे कि इससे गुना करेंगे तो एक्स क्यूब आ जाना चाहिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर पहले से मौजूद है, तो यहाँ पर यदि एक्स ले लेंगे और x को गुना x स्क्वायर से करेंगे तो कितना आ जाएगा, x क्यूब आ जाएगा। या तो सिंपली आप कर सकते हैं, x क्यूब को आप भाग दीजिए किससे, x स्क्वायर से, पहला पद को भाग पहला पद से दीजिए, जो आएगा कितना आएगा, x आ जाएगा, तो वही x यहाँ पर लिए हैं। अब इस x को गुना -2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2x। अब यहाँ पर लिखेंगे -2x। अब आप कहेंगे कि भाई यहाँ पर कैसे लिख दिए, इसलिए लिखें क्योंकि देखिए यहाँ पर x का पावर 1 वाला टर्म है और यहाँ पर भी x का पावर 1 वाला टर्म है, तभी ना जोड़ घटाव कर सकते हैं, है कि नहीं। अगर इसके नीचे लिख देंगे जोड़ घटाव होगा, x स्क्वायर के साथ x का पावर 1 वाला नहीं होगा, इसीलिए उसी के नीचे लिखे हैं। ओके, और x क्यूब वाला क्यूब वाला के ही नीचे लिखे हैं। अब यहाँ पर प्लस में तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। अब ये वाला कट गया, अब -3x² तो बेचारा उसी का उसी तरह रह गया, तो वो वाला चीज़ क्या करेंगे, नीचे उतार देंगे तो -3x² हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर +5x + 2x + 7x हो जाएगा और माइनस में 3 हो जाएगा।
अब फिर यहाँ पर ये वाला हो गया भाज्य और ये वाला हो गया भाजक, है कि नहीं। फिर यहाँ पर आपको ऐसा संख्या लेना है कि एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो माइनस थ्री एक्स स्क्वायर आ जाए, तो कितना लेंगे माइनस थ्री लेंगे। अब माइनस थ्री को गुना कीजिए एक्स स्क्वायर से तो माइनस थ्री एक्स स्क्वायर आएगा। अब माइनस थ्री को गुना माइनस टू से कीजिए तो प्लस सिक्स आएगा। अब सिक्स यहाँ पर आपको नीचे नहीं लिखना है, यहाँ पर लिखना है, ठीक है, नीचे, इसके नीचे, ताकि इसके नीचे जोड़ घटाव हो सके। चलिए अब आगे इसको करते हैं कैलकुलेट। माइनस तो यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ पर प्लस हो जाएगा माइनस, ठीक है। ये वाला माइनस में थ्री एक्स स्क्वायर, प्लस में थ्री कट गया, ठीक है। यहाँ सेवन एक्स बेचारा उसी का उसी तरह रह गया। अब यहाँ माइनस में थ्री है और यहाँ माइनस सिक्स, कितना हो जाएगा माइनस नाइन हो जाएगा, है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर और आगे डिवाइड होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए यहाँ पर एक्स का पावर दो है और यहाँ एक्स का पावर वन है, मतलब कि जो शेषफल है उसका पावर कम हो गया, चर का पावर कम हो गया। तो यहीं पर आपको छोड़ देना है, यही शेषफल हो जाएगा और यही भागफल हो जाएगा, ठीक है, समझ में आई बात। चलिए अब चलते हैं थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर क्वेश्चन में। अब इसको देना है भाग किससे, इससे देना है। फिर वही है, उसी तरह से क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। क्या है? थ्री एक्स स्क्वायर, एकदम घटते हुए क्रम में लिखना है, जो भी चर का पावर रहेगा उसको घटते हुए क्रम में लिखना है। प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव, ये कौन सा बहुपद है? त्रिघात बहुपद है। एक्स का पावर अधिकतम कितना है? यहाँ पर तीन है, ठीक है, त्रिघात बहुपद है। देखिए यहाँ पर एक्स वाला ही आपको बार बार दिखाया जा रहा है, वाई में भी हो सकता है, जेड में भी हो सकता है, ए में हो सकता है, बी भी हो सकता है, ठीक है, उसके लिए आपको चिंता करने की बात नहीं है। फिर यहाँ पर देखिए इससे भाग लगाना है, तो इसको घटते हुए क्रम में लिखना है पावर को, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर, उसके बाद में क्या है प्लस टू एक्स है तो प्लस टू एक्स लिखेंगे, उसके बाद में प्लस वन हो जाएगा घटते हुए क्रम में, ठीक है। वैसे ही उतार दीजिएगा सीधा सीधे तो फिर गलत हो सकता है। चलिए अब यहाँ पर आपको ऐसा संख्या लेना है कि एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स क्यूब आ जाए, तो कितना लेंगे थ्री एक्स लेंगे। अगर थ्री एक्स लेंगे और एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो थ्री एक्स क्यूब आ जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर थ्री एक्स ले रहे हैं, तो देखिए एक्स का पावर यहाँ दो, एक्स का पावर यहाँ वन, अगर आधार सेम रहता है तो पावर क्या हो जाता है, जुट जाता है, और ये थ्री का थ्री रहेगा और एक्स का पावर कितना हो जाएगा थ्री हो जाएगा, तो इसीलिए ले रहे हैं, ठीक है। या फिर इसको आप इससे भाग दीजिएगा तो एक्स ही आएगा, ठीक है, थ्री एक्स ही आएगा, वही थ्री एक्स लिए हैं। अब थ्री एक्स को गुना आप टू एक्स से कीजिए तो कितना हो जाएगा, तीन दुना छः एक्स स्क्वायर, कितना हो जाएगा छः एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर थ्री एक्स को गुना प्लस वन से कीजिए तो कितना हो जाएगा थ्री एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब इसको घटाइए, यहाँ माइनस यहाँ प्लस तो हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस, ठीक है, और यहाँ पर भी माइनस, ये वाला कट जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर तो हो जाएगा माइनस फाइव एक्स स्क्वायर, यहाँ पर प्लस टू एक्स माइनस थ्री एक्स हो जाएगा माइनस एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस फाइव हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इस पहला पद को माइनस फाइव एक्स स्क्वायर को किससे भाग लगाना है, एक्स स्क्वायर से लगाना है, कट जाएगा ये एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर कितना बचा, माइनस फाइव बचा, इसका मतलब कि यहाँ पर हमको कितना लेना है, माइनस पाँच लेना है। या फिर आप अपने से भी जान सकते हैं कि भाई यदि माइनस फाइव लेंगे और एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो माइनस फाइव एक्स स्क्वायर आ गए, तो गारंटी है कि नहीं। मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? एकदम लगना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको नया नया क्वेश्चन मिल रहा है, अच्छा अच्छा क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्लास टेंथ का भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए तो यहाँ पर माइनस फाइव को गुना एक्स स्क्वायर से करेंगे तो माइनस फाइव एक्स स्क्वायर आया, माइनस फाइव को गुना टू एक्स से करेंगे तो माइनस टेन एक्स आ जाएगा, फिर माइनस फाइव को गुना वन से करेंगे तो माइनस फाइव आएगा, है कि नहीं। अब इसको कीजिए सॉल्व, यहाँ प्लस, यहाँ पर भी प्लस, ये कट गया, अब यहाँ बचेगा नाइन एक्स और यहाँ बचेगा प्लस टेन, ठीक है। अब देखिए यही हो गया शेषफल और ये हो गया भागफल। क्यों शेषफल यहीं पर छोड़ देंगे? क्यों? क्योंकि एक्स का पावर यहाँ पर वन है और यहाँ एक्स का पावर दो है, अब भाग जाने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन भी बन गया, अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है? पी एक्स, पी एक्स बराबर में एक्स का पावर फोर है माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स को जी एक्स टू माइनस एक्स स्क्वायर से भाग दीजिए। देखिए पी एक्स जी एक्स लिखा हुआ है, ये अलग अलग फंक्शन है, ये पी एक्स एक अलग फंक्शन है और जी एक्स एक अलग फंक्शन है, यानी बहुपद है, ठीक है। अब इस बहुपद को आपको इस बहुपद से भाग देना है, ऐसा नहीं इसको नया समझना है कि भाई पी एक्स जी एक्स आ गया अब क्या करेंगे, अब समस्या, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। पी एक्स एक अलग फंक्शन है, जी एक्स एक अलग फंक्शन है, तो आपको पूछा जा रहा है कि पी एक्स को जी एक्स से क्या कीजिए, भाग दीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर पी एक्स कितना है, एक्स का पावर फोर माइनस हो जाएगा फाइव एक्स प्लस सिक्स, इसको भाग किससे देना है, जी एक्स कितना है टू माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिखाएगा उसके बाद में प्लस टू लिखाएगा घटते हुए क्रम में। एक्स का पावर यहाँ दो है और यहाँ पर एक्स का पावर जीरो है, ठीक है, कुछ नहीं है तो इसका मतलब जीरो है। चलिए यहाँ पर हम कौन सा पद लें, कौन सा टर्म लें कि माइनस एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स का पावर फोर आवे, देखिए माइनस एक्स स्क्वायर लेंगे, नहीं नहीं समझ में आया। देखिए यहाँ पर एक्स का पावर फोर है, इसको आप माइनस
एक्स स्क्वायर, एक्स का पावर 4 है, ठीक है, एक्स स्क्वायर से भाग लगाइए तो यहाँ पावर 2 है, पावर 4 है, यहाँ पर पावर 2 है, तो एक्स का पावर 2 कटेगा तो यहाँ पावर कट कर कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो माइनस में एक्स स्क्वायर यहाँ पर बचा, वही तो माइनस एक्स स्क्वायर वहाँ पर लिए हैं, क्या इसमें नई चीज़ है, ठीक है। तो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स का पावर 4 आ जाएगा, फिर माइनस एक्स स्क्वायर को गुना प्लस 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 2 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, है कि नहीं। अब इसको आगे हो जाएगा प्लस, ये वाला कट जाएगा, अब यहाँ पर ये वाला प्लस 2x स्क्वायर उसी तरह उतर जाएगा, क्योंकि 5x में से 2x स्क्वायर तो घटेगा नहीं, बहुत लोग घटा देता है, ऐसा नहीं करना है। अरे भाई यहाँ x का पावर 2 है, यहाँ x का पावर 1 है, अलग अलग कैटेगरी का आदमी है, ये x का पावर 2 वाला आदमी है और यहाँ x का पावर 1 वाला आदमी है, तो कैसे घटेगा जुटेगा, है कि नहीं। किसी रूम में 10 गाय है और 10 बैल है, 10 गाय और 10 बैल, आपको पूछेंगे कि कुल कितना है, तो क्या बोलिएगा, 20 बैल है, नहीं बोलिएगा, या फिर 20 गाय तो नहीं बोलिएगा ना, अलग अलग बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि दोनों जुटने वाला नहीं है, गाय अलग चीज़ है, बैल अलग चीज़ है, तो आपको बोलना ही पड़ेगा कि भाई 10 गाय है, 10 बैल है, ऐसा नहीं बोल दीजिएगा 20 गाय है या 20 बैल है, ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर है, ये अलग अलग है, इसीलिए जुटेगा नहीं, अलग अलग रखना पड़ेगा। तो प्लस 2 स्क्वायर हो गया, माइनस 5x का काम नहीं हुआ तो नीचे उतर जाएगा, प्लस 6 का काम नहीं हुआ तो नीचे उतर जाएगा। अब यहाँ पर कौन सा संख्या लें कि माइनस एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर आवे, तो माइनस 2 लेंगे, माइनस 2 को गुना यदि हम माइनस एक्स स्क्वायर से करते हैं तो माइनस को गुना माइनस से करेंगे तो प्लस हो जाएगा, है कि नहीं, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस 2 को गुना प्लस 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 4 आ जाएगा, है कि नहीं, प्लस को गुना माइनस से करते हैं तो माइनस में होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर साइन चेंज हो गया, यहाँ पर माइनस का प्लस हो जाएगा, ये वाला कट गया, माइनस 5x उसी का उसी तरह उतर गया, प्लस 6 प्लस 4 कितना आ गया, प्लस 10। अब भाग नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पर x का पावर 2 है अधिकतम और यहाँ x का पावर 1 है, कम हो गया पावर, भाग यहीं पर स्टॉप कर देना, यही शेषफल हो जाएगा और यही भागफल हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ ही गया होगा, एकदम अच्छा ढंग से आपको बता ही दिए हैं, और मुझे लगता है यदि आप यहाँ तक देखें और आपको समझ न आए, ये हो नहीं सकता है, और समझ में एक्चुअल में नहीं आया है, आप पहली पहली बार इसको पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो फिर वीडियो को दोबारा देख लीजिए, आज देखें, कल एक बार और देख लीजिए, है कि नहीं, और क्वेश्चन को फिर अपने से भी बनाने का प्रयास कीजिए, तो फिर क्यों नहीं समझ में आएगा, एकदम आएगा आएगा, एकदम कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्लस माइनस वाला तो चीज़ सब जानवे करते हैं कि प्लस को गुना प्लस से करेंगे तो प्लस आएगा, माइनस को गुना माइनस से करेंगे तो प्लस आएगा, प्लस को गुना माइनस से करेंगे तो माइनस आएगा, माइनस को गुना प्लस से करेंगे तो माइनस आएगा, है कि नहीं, ये सब आप जानते हैं, बच्चा की चीज़ है, ठीक है। चलिए अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, कमेंट कि हमको समझ में पूरा आ गया है, ओके। चलिए तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, अब मिलेंगे अगला वीडियो में, धन्यवाद।